हैं कि ध्यान की विधियों से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ देर बैठकर अपने विचारों को देखना सही नहीं है? क्या इससे कुछ पलों का चैन नहीं मिलेगा? क्या एक तटस्थता अनुभव नहीं होगी विचारों में? ध्यान करते करते हम विचारों में चले जाते हैं, खो जाते हैं। गगन, सटीक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ पर इशारा समझना। चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखने की कोशिश वैसी ही है जैसे कोई ठहर के अपनी दौड़ को देखने की कोशिश करे। अगर तुम्हें अपनी दौड़ को देखना है तो कब देखोगे, जब तुम ठहरे हुए हो या जब तुम दौड़ रहे हो? जब दौड़ रहे हो। तुम कहते हो कि मैं ध्यान के लिए बैठ गया, अब तुम अपने उस रूप को देख ही नहीं पाओगे जो दौड़ रहा होता है, क्योंकि अब तो तुमने अपने आप पर ही एक आचरण लाद दिया है ना। तुमने अपने आप को घोषित कर दिया है कि फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं ठहरा हुआ हूँ, फिलहाल तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, और इस वक्त मुझे इधर उधर के सत्य विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, शील विरुद्ध विचार आने नहीं देने हैं। तो जैसे ही तुम ध्यान करने बैठे, तुम जो हो वो कहीं जाकर छुप जाता है, मर नहीं जाता, विलुप्त नहीं हो जाता, लेकिन छुप जरूर जाता है। तो जिसे तुम ध्यान कहते हो, उस वक्त तुम जिसे देखोगे भी, वो तुम नहीं होगे, वो तुम्हारा एक परिष्कृत, कृत्रिम रूप से परिष्कृत संस्करण होगा। अपने आप को देखना है तो तब देखो ना जब तुम जी रहे हो, और जीने से मेरा अर्थ है वैसे जीना जैसे तुम अधिकांश समय जीते ही हो। कोई कहे कि मुझ में भक्ति कितनी है, ये सिर्फ उस वक्त देखो जब मैं मंदिर में खड़ा हूं नमित होकर के, तो इस देखने के परिणाम सही आएंगे या झूठे? अगर ये पता ही करना है कि धार्मिकता कितनी है तुम में और सत्यनिष्ठा कितनी है तुम में, तो तुम्हें तब देखा जाए जब तुम तय करके मंदिर में आकर खड़े हो गए हो कि साहब आधा घंटा मंदिर में गुजारना है, या दिन के बाकी 23.5 घंटों में देखा जाए। जब तुम ध्यान के लिए बैठते हो तब तुम क्या देख पाओगे विचारों को? विचार ही बदल गए। तुम कह रहे हो मैं ध्यान के लिए बैठ के अपने विचारों को देखना चाहता हूं, जैसे ही तुम ध्यान के लिए बैठे तुमने विचारों से क्या कह दिया? मैं अभी ध्यान कर रहा हूं तो अभी विचार आए भी तो कौन से आए? बढ़िया, शुद्ध, मर्यादा अनुकूल आए, शुद्ध विचार आए। अब तुमने देख लिए और तुम्हें क्या दिखाई दिया? मैं तो बहुत साफ हूं, मैं तो बहुत शुद्ध हूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान में बैठना वैसे ही है कि घर में मेहमान आ रहे हैं तो सारा कचरा ले जा करके वो पीछे वाले कमरे में डाल दो। मेहमान तो 2 घंटे बाद चले जाएंगे, कचरा फिर वहीं आ जाएगा जहां उसे होना है। मेहमानों ने क्या देखा? तुम भी ध्यान में वैसे ही देखते हो अपने आप को, जैसे मेहमान तुम्हारा घर देखते हैं कृत्रिम रूप से साफ, वैसे ही तुम अपने आप को ध्यान में देखते हो कृत्रिम रूप से साफ। तुम्हें अपने काम की, अपनी वासना की, अपने भय की, अपने क्रोध की गहराई का कब पता चलेगा? जब तुम ध्यान में रत हो या जब तुम लालच में, ऐषणा में, धोखे में, भय और भ्रम में रत हो, कब पता चलेगा? नहा धो के ध्यान करने बैठे हो, इस वक्त तुम्हें अपना वो रूप थोड़ी दिखाई देगा जो बाजार में होता है या बिस्तर पे होता है। अभी तो धूप जल रही है, स्नान किया हुआ है, भोर की किरणें हैं।
विधिवत आसन है, मंत्रोच्चार भी हो सकता है, सामने देव प्रतिमा भी हो सकती है। अभी विचार आएगा अभी तो कैसा आएगा? ओम शांति शांति शांति। सब ठीक है। कैमरे में एक होता है स्पोर्ट्स मोड, वो होता है इसीलिए जब गतिविधि हो रही हो तो उसको पकड़ ले, तब पता चलेगा ना कि क्या कर रहे थे। ऐसे थोड़ी कि ये केशव रैकेट लेके खड़ा हो गया और इसने ऐसे बना लिया कि बस मार ही रहा है और फिर तुमने इसकी फोटो ले ली, तुमने कहा देखो हमने देखा। ये तुमने क्या देखा? ये तो तुमने पहले उसे खड़ा किया और फिर देखा, तुमने तथ्य थोड़ा ही देखा, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। तुम ही ने पहले उसे खड़ा किया क्योंकि तुम्हारा कैमरा स्पोर्ट्स मोड पे है ही नहीं। वास्तविक स्पोर्ट्स जब चल रहे हो और तुम्हारा कैमरा न हो स्पोर्ट्स मोड पे, एक्शन मोड पे, और तुम फोटो खींचो तो कैसी आएगी? धुंधली आएगी, ब्लर्ड आएगी। चूंकि तुम्हारा कैमरा गलत मोड में लगा हुआ है तो तुम उसकी भरपाई कैसे करते हो? क्रिएट करते हो। हाँ, कि केशव खड़ा हो जा, अब ऐसे बन। अब जैसा तुमने उसे बनाया वैसा वो बन गया, फिर कहते हो हमने देखा। अरे तुमने क्या देखा? जो तुमने बनाया वही तुमने देखा? तुमने नया क्या देखा? वास्तविक क्या देखा? ध्यान का मतलब होता है कि अब सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलाव को, त्वरित से त्वरित बदलाव को, बिजली सी कौंधती घटनाओं को भी मन पकड़ लेता है। स्पोर्ट्स मोड का यही मतलब होता है। जल्दी से हाथ चल रहा है तो भी प्रत्येक बदलाव को पकड़ लूंगा, सब देख लूंगा क्या हुआ। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान है मन के कैमरे का स्पोर्ट्स मोड में होना। बहुत तेज कुछ बदल रहा है उसमें भी प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थिति को अलग अलग देख लेना। यहां पे क्लिक किया तो हाथ यूं आएगा और यहां पे क्लिक किया तो हाथ यूं आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पूरा एक स्वीप आ गया और वो भी धुंधला ब्लर्ड ना। पर अहंकार को फोटो तो चाहिए साफ, और लगाना नहीं है ध्यान। अब फोटो तो बिल्कुल साफ चाहिए, बिल्कुल ठहरी हुई, और ध्यान लगाना नहीं है, स्पोर्ट्स मोड लगाना नहीं है। तो अहंकार क्या बेईमान तिकड़म लगाता है? केशव रैकेट लेके खड़ा हो जाए और ये भ्रम दे कि तू खेल रहा है और हमारे पास स्पोर्ट्स मोड है। तो ध्यान की विधियां यही है क्या केशव? ये ध्यान की विधि है। अब ये ध्यान की विधि है, वो खेल रहा ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि वो खेल रहा है और हमने देख भी लिया कि खेल रहा है। खेलते आदमी को देखना है तो कब देखोगे? जब वो पोज दे रहा है या जब वो खेल रहा है? खेल रहा है। ध्यान की विधियों में तुम खेलते ही नहीं, तुम पोज दे रहे हो, क्योंकि तुमने पहले ही क्या रखा है कि खेलना बंद करो भाई, ये तो ध्यान का वक्त है। खेलते तुम कहां हो? खेलते तुम सड़क पे हो, खेलते तुम दफ्तर में हो, खेलते तुम संसार में हो। खेल रुकवा के कहते हो हम खेल देखने जा रहे हैं, ऐसी है तुम्हारी ध्यान की विधि। खेल को रुकवा दिया, नहीं साहब अभी धंधा पानी बिल्कुल बंद करिए, सारे ग्राहकों को लौटा दीजिए, अभी ध्यान का वक्त है, खेल बंद हो, अब ध्यान करेंगे और खेल देखेंगे। कौन सा खेल देखोगे? खेल तो तुमने जबरदस्ती रोक दिया, अब देखने को क्या बचा? जब जग विच बजी बधाई तब देख तमाशा जाई। तमाशा कब देखोगे? जब तमाशा हो रहा हो। तमाशा रोक के थोड़ी तमाशा देखोगे। ध्यान की विधियां और क्या करती हैं? सारा तमाशा रोक दो। अभी हम 15 दिन के लिए ध्यान केंद्र जा रहे हैं,
वीजा लेकर के भारत आए हैं, सारा तमाशा रोक करके, अब तमाशा देखेंगे कैसे कैसे। जब तमाशा हो रहा हो तब आंखें खोलो, इसका नाम है ध्यान। फिर उसी को गालिब कह गए हैं, बाजीचाए अतफाल है, बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। जब देखोगे तमाशा तो कहोगे कि दुनिया मेरे लिए बच्चों का खेल है, बाजीचाए अतफाल, बच्चों का खेल। अगर देख लोगे तमाशा, नहीं देखा तो फिर लगेगा बड़ी गंभीर बात है। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल रुकवा के नहीं देखा जाता। अब यहां कोई नहीं खेलेगा रे, आओ अब खेल देखें। अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, वो भी झूठा। ये सत्य वाला मौन नहीं है, ये शमशान वाला मौन है। विचार परिस्थितियों से उठते हैं तो विचारों में कुछ खास नहीं होता। मतलब मेडिटेशन में लोग करते हैं मेडिटेशन और बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा इनर पीस मिली या कुछ, तो वो इनर पीस बस वही है कि तुम एक घटिया जिंदगी जी रहे हो और तुमने कुछ देर के लिए उस जिंदगी को स्थगित कर दिया। स्थगित इसीलिए किया कि थोड़ी देर में उसे पुनः वापस बुला लो, तो ये शांति थोड़ी ही है। जो शांति थोड़ी ही देर में अशांति में परिणीत हो जानी हो वो शांति है क्या? जो शांति इस अफसोस, इस निराशा, इस हार के साथ शुरू होती हो कि बस थोड़ी देर की है, वो शांति है क्या? जिस ध्यान से तुम उठ जाओ, जो ध्यान तुम लगाते ही टूटने के लिए हो, वो ध्यान है क्या? ध्यान तो वो कि लगा तो लगा, अब टूट नहीं सकता। ऐसा ध्यान तो तुम्हें और दुख देके जाएगा ना, पल दो पल का चैन, उसके बाद जैसे भूखे के आगे थाली रख दो और उसे खाने ना दो, सूंघ भर सकता है। जैसे कोई विरह में हो और तुम उसके आगे उसकी प्रीतमा की फोटो लटका दो, फोटो भर देख सकता है, मिल नहीं सकता, वो तो बेचारा और झुलसेगा। जिस जीवन से त्रस्त हो करके ध्यान लगाते हो, उस जीवन से ही आजाद क्यों नहीं हो जाते? ध्यान लगा लगा के तो तुम उसी जीवन को बनाए रखते हो उसकी बेहतरी के नाम पर। तुम कहते हो कि जीवन चले इसी चौखट के भीतर,
कैनवास यही रहे, चित्र जरा बदल दिया जाए किसी तरीके से। कितना बदलाव कर लोगे जब पहले ही तुमने फ्रेमवर्क चौखट तय कर दी है, तो भीतर का तुमने बदला भी तो क्या बदल दिया। सीमाएं तो वही है ना। तुम अपना काम छोड़ने को थोड़ी राजी हो जाते हो, तुम कहते हो काम यही करूं, पर जरा तनाव कम रहे, गुस्सा कम आए। इसीलिए तो लोग जाते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। जीवन में तनाव बहुत है। अब जीवन में तनाव बहुत है, दोनों में से क्या छोड़ना आसान लगता है? तनाव। जीवन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं देख पाते हो कि जब तक जीवन वही रहेगा तो तनाव पुनः लौट के आएगा। और तुम्हारी मांग क्या है? जिंदगी तो वैसे ही चले, देखो तनाव ना रहे। सारे घटिया काम करें, सारे सत्य विरुद्ध काम करें, और उन कामों की सजा भी ना मिले। तनाव और क्या होता है? सजा ही तो होता है तनाव। तुम गलत जीवन जी रहे हो, उसकी सजा है तनाव। तुम्हारी मांग क्या है? जीवन तो वैसे ही चले, उसकी जो सजा मिलती है तनाव के रूप में वो ना मिले। तो तनाव हटाने का क्या तरीका है? चलो ध्यान लगाएं। इसीलिए तो कॉरपोरेशंस में बाकायदा ध्यान की कक्षाएं चलती हैं, बड़ी कंपनियां बड़ा प्रोत्साहित करती हैं ध्याना योगा। इससे बढ़िया रहता है, भेड़े एक दूसरे का ऊन नहीं चरती, भेड़े बड़े सुव्यवस्थित तरीके से अपना अपना काम करती रहती हैं ताकि उनका ऊन सिर्फ मालिक चर सके। गुलामों में अव्यवस्था नहीं फैलती, सब गुलाम बड़े संतुलित व्यवस्थित रूप से काम करते हैं ध्याना और योगा करके। और उसको बोलते हैं देखो जीवन में शांति आ गई। बहुत तो गुरु लोग घूम रहे हैं, गुरु सदगुरु, उनका काम ही है यो कॉरपोरेशंस में जाके योगा फैला रहे हैं ताकि बेहतर गुलाम निकले, जिनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी और अच्छी रहे। वो बताते ही योगा इज अ मस्ट फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ये तो तुमने गजब कर दिया। मन का आत्मा से मिलन हो रहा है ताकि अरे कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी बढ़े। वो भी तुम अपने लिए कर रहे होते तो अलग बात थी। वो सब कुछ तुम लाला जी की मोटी औलादों की खातिर कर रहे हो। योगा फॉर बाबा भैया। बाबा लोग जानते हो ना कौन होते हैं? अरे ऋषिकेश वाले बाबा लोग नहीं, मालिकों के बेटों को बाबा कहते हैं। बाबा सन्नी बाबा, और राजा बाबा, संजू बाबा, संजू बाबा राहुल बाबा, ये सब बाबा लोग हैं। ब्लू ब्लडेड बाबा B3 बहुत खुश हो रहा है। ऐसा मत उपयोग करो ध्याना और योगा का।
ध्यान को ध्यान और योग को योग रहने दो। योग का अर्थ होता है तुम मिटे। योग इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे बने रहने के लिए योग का इस्तेमाल किया जाए। योग शब्द वास्तव में बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि योग से तो ऐसा लगता है ऐसे जुड़े। योग का अर्थ यह नहीं होता कि दो थे जो जुड़ गए। योग का अर्थ होता है एक ही पहले भी था, एक ही अंत में भी रहा, जो ये बीच में कोई और पैदा हो गया था, जो अपने आप को सच समझने लगा था, वो मिट गया। योग का अर्थ वास्तव में जुड़ना नहीं, मिटना है। जुड़ने के लिए तो दो होने चाहिए, दो तो कभी थे ही नहीं, एक ही था। जो दूसरा था वो क्या था? झूठा। तो उस झूठे के मिट जाने को योग कहते हैं। मिटो, बेहतर मत बनो। जो समस्याग्रस्त है उसकी समस्याएं कम मत करो, जो समस्याग्रस्त है उसको मिटा दो। उसकी समस्याएं कम करोगे तो वो और बना रहेगा। मदद मत करो उसकी। कोई झूठे ही बीमार बनाओ और तुम उसकी मदद करो तो क्या होगा? बीमार बना रहेगा। झूठ की एक ही मदद हो सकती है क्या? उसे जाने दो। तुम कहाँ वहां छुप के बैठ गए? इधर आओ। आचार्य जी, जैसे गुरु का सवाल था, हम बैठ गए नहा धो के धूप बत्ती जला के, खेल तो विचारों का खेल तो तब भी चलता है। बदल दिया ना? हाँ, विचारों खेल थोड़ा बदल गया लेकिन खेल चल रहा है। अब खेल एक स्वीकृत खेल हो गया। तुम्हें खेल से थोड़ी दिक्कत होती है। क्या कभी तुम ध्यान में इसलिए बैठते हो कि जीवन में सुख ज्यादा हो गया? सुख के खेल से तुम्हें आपत्ति है क्या? आपत्ति तुम्हें खेल से नहीं है, आपत्ति तुम्हें प्रतिकूल खेल से है। खेल अनुकूल चल रहा हो तो तुम कहते हो बहुत बढ़िया, जयराम जी की। सुख खेल है कि नहीं, या दुखी खेल है? सुख खेल है कि नहीं, और दुख भी खेल है, पर सुख के खेल से तुम कभी उबते हो, भागते हो? जब जीवन में सुख चल रहा हो तब कहते हो कि अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, ध्यान लगाते हैं, सुख के विचार ज्यादा हो गए हैं, सुखी सुख बरस रहा है। तो खेल तो दोनों हैं, पर भूलना मत कि अगर तुमने खेल ही बदल दिया तो तुम्हें आपत्ति होनी भी बंद हो जाएगी। ध्यान के समय भी बिल्कुल विचार उठेंगे, पर अब कौन से विचार उठ रहे हैं? वो जो धर्मोचित है, शास्त्रोचित है। और ध्यान की कई विधियां होती हैं, वो तो तुम्हें पहले ही बता भी देती हैं कि अब क्या सोचो। ले तो अब वो सोचोगे ही नहीं जो अक्सर सोचते हो, तो फिर देख क्या रहे हो? जो दिखाया जा रहा है वही देख रहे हो, फिर कह रहे हो ये देखा। मैं बैठा, बैठती मैं ऑफिस भाग गया मेरा मन, मेरी तो वही दुविधा है। तो मैं उसको बड़ी अच्छी तरह देखना शुरू किया। मैं जब नॉर्मल था तो ऑफिस से
घर की तरफ भाग रहा था या मैं अपने ससुराल की तरफ भाग रहा था, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अपने विचारों को देखूंगा, जैसे गगन जी ने बताया, तो मैं ऑफिस की तरफ तो जा पाया क्योंकि मैं उस टाइम होश से भरा, लेकिन मैं ससुराल की तरफ नहीं जा पाया, मैं रुक गया। तुम एक बहुत मूल बात मन के बारे में नहीं समझ रहे हो। मन में दृश्य और दृष्टा एक होते हैं, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर एक होते हैं। तुमने ज्यों ही दृष्टा को बदला, दृश्य बदल जाएगा भाई। ज्यों ही तुमने विचारक को एक दूसरी स्थिति दी, विचार बदल जाएंगे, तुम कुछ देख नहीं पाओगे। ध्यान से पहले तुम कौन थे? वो जो विचारों को नहीं देख रहा, और अब तुमने कहा 8 बज गए हैं, अब मैं विचारों को, तुम बदले कि नहीं बदले? विचारक बदल गया कि नहीं? पहले विचारक कौन था जो कह रहा था कि मैं कहीं और रथ हूं, कहीं और मगन हूं, मैं विचारों को नहीं देखूंगा अभी, और 8 बजते ही तुमने क्या कहा कि अब मैं विचारों को। विचारक बदल गया ना? अच्छा, विचारक बदल गया, और विचारक कह रहा है मुझे विचारों को देखना है, और हम समझा रहे हैं आपको कि विचारक और विचार, दृष्टा और दृश्य एक साथ चलते हैं। विचारक बदल गया, विचार बदल गए, अब तुम देख क्या रहे हो? जो दिख रहा सब झूठा है। यह ऐसी सी बात है कि तुम किसी बच्चे से कहो कि हम तुम्हें देख रहे हैं, चलो अब शैतानी करो, वो करेगा ही नहीं। उसकी शैतानी देखनी है तो छुप के देखो। छुप के देखने को कहते हैं साक्षित्व। मन को पता भी ना चले कि उसको देखा जा रहा है, पर तुम तो घोषणा करके देखते जाते हो बाकायदा। जैसे कई सरकारी दफ्तर वहां पर होता है फ्लाइंग स्क्वाड, उड़न दस्ता, वो घोषणा करके छापा मारता है, कल आपके यहां अकस्मात 10 बजे छापा मारा जाएगा। अब वहां तुम क्या देखोगे? कुछ नहीं, तुमने तो बता दिया पहले ही। साक्षित तो है छुप के छापा मारना, सरप्राइज रेड, जिस पे छापा मारा उसे पता भी नहीं चला, यही तो साक्षी है। जो छुपा है उसे कोई देख नहीं पा रहा, वो सब कुछ देख रहा है, उसे कोई देख नहीं पा रहा। और ध्यान में तुम क्या करते हो? सुबह 8 बजे फलानी जगह पर फलाने आसन में ध्यान लगाया जाएगा। अरे पागल, कोई बता के छापा मारा जाता है? फिर मुझे शोले याद आ गई। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये बस हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। नगाड़ा तो बजा रहे हो, सबको बता दिया, अब बात छुपी रहेगी क्या? हेरा फेरी आई थी, उसमें ओमपुरी का जो चरित्र था, एक पंजाबी बंदा, मेरे ख्याल से लोग अपने पैसे और वसूलने के लिए बहुत सारे जो होते हैं लेनदार, वो दल बना के आते हैं, एक कार में आते हैं, और कहते हैं कि अगर इसे पता चल गया तो घर से निकल जाएगा। तो उसके घर के बाहर रुक करके ओमपुरी उस पूरी जनता को संबोधित करके कहता है, क्या
क्या यही कहता है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और जब वो कहता है तो वहां 20 होते हैं, वो सब के सब एक साथ बोलते हैं। तो ऐसा तुम्हारा ध्यान होता है, देखने जा रहे हो नगाड़ा बजा के। वो भग जाएगा। जिन्होंने पैसा ले रखा वो भग जाएगा, पीछे से मिलेंगे बस बाबू भैया। देनदार तो भग गए, पकड़ में कौन आए? बाबू भैया। हम उनसे निकलवाते रहो पैसा। ओम पुरी और परेश रावल, ये है तुम्हारे दृष्टा और दृश्य। एक पगला दूसरा झूठा। पगला कौन है? दृष्टा। और झूठा कौन है? दृश्य। जिसे देखना था वो मिला नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं, जिसे देखना था वो झूठा है। ध्यान के अंत में बाबू भैया मिलते। बाबू भैया को फोन आया। तो फोन करते थे लोग कहीं और पे, तो रॉन्ग नंबर था, फोन इनके आ जाता था। तो, हाँ, तो इनसे पूछे मछली है क्या? तो बाबू भैया बोलते पक चुके थे, बोल रहे जो मैं हूं नहीं मुझे वही समझते रहते हो। ऐसा तुम्हारा ध्यान है, जो बाबू भैया है नहीं वही उन्हें समझा जा रहा है। तो उनसे पूछ रहे मछली है क्या? तो बाबू भैया बोलते नहीं, उसे मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। तो ये तुम्हारे ध्यान के अंत में तुम्हें जवाब मिलता है कि मछली तो मैं खा गया, मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। और उधर वाले को पता थोड़ी चला है कि इधर क्या है, उसको लग रहा होगा क्या पता यही जवाब मिलता हो स्टार फिशरी से। ध्यान विधियां जो बनाई गई हैं, जैसे ओशो भी कहते हैं उन्होंने भी इतनी विधियां बनाई, तो उनका क्या चार होगा उसके पीछे? जिससे कुछ ना होता वो कर ले और फिर दिख जाएगा कि उससे कुछ नहीं होता तो आगे बढ़ेगा। शुरू करने के लिए ठीक है, सिर्फ शुरू करने के लिए। जैसे कोई व्यर्थी अपने को अपाहिज माने बैठा हो तो तुम उसे सीधे दौड़ने को तो नहीं बोल सकते ना, अपाहिज है नहीं पर मान तो उसने यही रखा है, तो उसे कैसे चलाओगे? पहले सहारा दोगे, प्रेरणा दोगे, 100 कहानियां सुनाओगे। ये सब शुरू कराने के लिए चाहिए, ध्यान की विधियां ऐसे ही, पर शीघ्र ही इनको समाप्त हो जाना चाहिए। कुछ समय तक इन्हें चलना चाहिए और कुछ समय के बाद तुम्हें ध्यान की सभी विधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। आचार्य जी विधि से छूट जानी चाहिए, कई बार लगता है छूट गई, जैसे मैं ओशो का फॉलोअर हूँ, डायनेमिक मेडिटेशन मैंने ठोक किया है, अच्छा लगता है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, छूट जानी चाहिए, मुझे कहीं लगता है छूट भी रही है। जैसे आपके पास आता हूँ, माहौल आता हूँ, तो वही एनर्जी उठने लगती है बगैर डायनेमिक मेडिटेशन के। वो पहले जब किया था मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सुबह 1 घंटे बाद में डायनेमिक
तो जो होश है दिन भर उसमें एक नयापन सा दिन भर क्या करोगे स्वस्थ महसूस करते हैं उस दिन भर क्या करोगे उस रोजमर्रा के जो भी काम करना हाँ वही 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 फंस गए ना जैसे पूछा था कहाँ जा रहे थे गाड़ी में बैठ के बस वही तो बात है अगर ध्यान तुम्हारी नियमित दिनचर्या को बनाए रखने में सहयोगी हो रहा है तो फिर वो ध्यान नहीं है दुश्मन है तुम्हारा ध्यान वो चाहिए जो तुम्हारी दिनचर्या तोड़ के रख दे जिसके बाद तुम अपनी नियमित दिनचर्या में कदम रख ही ना सको जी वही कह रहा हूँ जैसे बैठे हो धूप पे यदि मैंने सुबह डायनेमिक किया है तो मेरे को ऐसा करता है कोई उठाए ना मुझे यहाँ से आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं और ऐसे बड़ा आनंद सा फील होता है मैं अपने काम भी छोड़ देता हूँ उस वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे बस बैठे रहना है और अगर काम छोड़ दिए अगर काम छोड़ दिए तो अगले दिन डायनेमिक की जरूरत पड़ेगी जल्दी बोलो तो डायनेमिक की जरूरत क्यों पड़ती है क्योंकि तुम डायनेमिक करने के बाद भी जिद करके पुनः अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हो न लौटो उस दिनचर्या में तो अगले दिन क्या जरूरत है डायनेमिक की तो डायनेमिक की उपयोगिता बिल्कुल है पर इसलिए थोड़े ही एक डायनेमिक करो और फिर उन्हीं ढर्रों में लौट जाओ जिनमें रहते हो ढर्रों में जितनी बार जाओगे डायनेमिक उतनी बार चाहिए होगा वही हो रहा है तो क्यों जाते हो उन ढर्रों वापस स्थिर नहीं हो पाते तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वो ध्यान कम से कम करो जो ध्यान सावधिक है सावधिक समझते हो एक अवधि के लिए है एक मैं तुमसे उस ध्यान की बात करता हूं जो अनंत है कालातीत है जिसका किसी अवधि के बाद कभी अंत नहीं आएगा डायनेमिक अच्छी बात है वो तुम्हें स्वाद देता है वो तुम्हें झलक दिखलाता है तुमने डायनेमिक ना किया होता तो मेरे पास नहीं आ पाते तो डायनेमिक ने अपना काम पूरा कर दिया अब डायनेमिक को छोड़ो डायनेमिक की उपयोगिता यही थी कि तुम्हें झलक मिली ध्यान की वो झलक भी नहीं मिली होती तो आज यहां आते क्यों अब जिसकी झलक मिली है उसको पूरा पाओ या झलक से पेट भरना है वो तो और भी मुश्किल हो गया वो झलक भी वही तो कहता हूँ बड़ी क्रूरता हो जाती है इससे अच्छा तो झलक भी ना दिखलाते ना दिखलाते तो अच्छा। कोई भूखा हो तो भूखे पेट सो जाएगा पर वो भूखा है और तुमने उसके कमरे में बढ़िया पराठे की और दाल सब्जी की खुशबू फैला दी अब आएगी नींद उसको आएगी वरना तो भूखे पेट सोना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं भूखे सो रहे हो और कोई जालिम तो ललचा रहा है और लार बन रही है अब कहां से नींद आएगी खुशी भी तो मिलती डायनेमिक करके अलग से कुछ ही चाहिए मैं डायनेमिक का विरोधी थोड़ी हूं डायनेमिक की उपयोगिता है पर डायनेमिक का अंत भी तो होना चाहिए कहीं पर जाकर के डायनेमिक समाप्त हो और सत्य मात्र शेष रह जाए ये तो अशुद्ध भी होता है छूटना चाहिए हाँ डायनेमिक लत थोड़ी बन जानी चाहिए एक कांटे को निकाल लो दूसरा कांटा वहीं रख लिया उसको निकाल लो पेन किलर पे जीना चाहते हो एक नशे को काटने के लिए दूसरे नशे पर जीना चाहते हो
हमारी जिंदगी क्या है, पेन से पेन किलर तक जाओ जब तक पेन किलर पेन ना बन जाए, और फिर उस पेन से अगले पेन किलर पर जाओ जब तक वो पेन ना बन जाए। हम किसी भी पेन किलर पर तभी तक तो रहते हैं जब तक वो पेन ना बन जाए, और कोई पेन किलर ऐसा नहीं है जो समय के साथ पेन ना बन जाए। और तुम जिसकी ओर भी भागते हो सदा, वो तुम्हारे लिए पेन किलर ही होता है। मिल गया, नया पेन किलर मिल गया, और 6 महीने बाद नया दूसरा पेन किलर तो किल हो गया, बचा सिर्फ पेन। जो दर्द से राहत बन के उतरा था, वही दर्द बन गया। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द है जो कभी राहत बन के ना आया हो? तुम उसे प्रवेश ही ना देते अगर उसने अपना नाम दर्द बताया होता। जब वो आया था तो क्या प्रतीत हुआ था? राहत, दर्द से राहत, पेन किलर। और आज वो क्या है? सिर्फ दर्द। दर्द कभी दर्द बन के थोड़ी आता है, दर्द हमेशा दर्दनाशक बन के आता है, पेन हमेशा पेन किलर बन के आता है। ऐसे ही थोड़ी धोखा खाते हो। धोखा धोखा बन के आया था या भरोसा बन के? मत भागो किसी भी सहारे की तरफ। सहारे अच्छे हैं, वो तुम्हें दुख से बाहर लाते हैं। जब दुख से बाहर आ गए फिर सहारे का क्या काम? और अगर सहारे को ही पकड़ने की आदत बन गई तो सहारा ही दर्द बन जाएगा, दुख बन जाएगा। ये सब कहकर मैं जो डायनेमिक विधि है उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि बार बार डायनेमिक करके भी तुम इतने खाली क्यों नहीं हो पाते कि डायनेमिक की आवश्यकता न पड़े। इसका अर्थ है कि तुम डायनेमिक को पूर्णता से नहीं करते। डायनेमिक तुमसे यही करवाता है कि वृत्तियों में जो कचरा भरा हुआ है, मन के अंधेरों में जो कचरा भरा है उसको बक दो, उसका वमन कर दो। शालीनता के चलते, सामाजिकता के चलते तुम आमतौर पे वो सारी बातें वमित नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। डायनेमिक कहता है वो सब जो तुमने भर रखा है, काहे भरे हुए हो, निकालो उसे, अभिव्यक्ति दो। अभिव्यक्ति दोगे तो खत्म हो जाएगा, अभिव्यक्ति दोगे तो खत्म हो जाएगा ना। ये थोड़ी कहते हैं कि बचा रहेगा और कल फिर करना पड़ेगा। तुम पूर्ण अभिव्यक्ति क्यों नहीं देते? डायनेमिक करते भी हो तो आधा अधूरा करते हो, इतना ही करते हो कि काम चल जाए। उससे ज्यादा थोड़ी। जैसे कोई अपनी गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवाए,
किल्लत हमेशा बनी ही रहेगी, इतना ही डलवाया है कि वहां तक पहुंच जाए, वहां पहुंचने के बाद फिर चिंता आगे क्या होगा। जैसे कोई जुगाड़ से गाड़ी ठीक करवाए कि बस 2 ही महीने चलेगी, निश्चिंत कभी नहीं हो पाओगे। 100 रुपए का तेल हो या जुगाड़ वाला कारीगर, वो तुम्हें निश्चिंत नहीं कर पाते ना। हाँ, तुम्हारी गाड़ी चलती रहती है, तुम्हें गाड़ी भर चलानी है या निश्चिंत होकर विश्राम करना है। खेद की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुनेंगे। हम कहेंगे कुछ भी करके चल, अभी चलना तो यार, कल की कल देखेंगे। ये जो तुम्हारा रुख रहता है ना, कल की कल देखेंगे, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। आज थोड़ा सा डायनेमिक कर लो, तनाव कम हो, फिर सो जाओ और कल फिर वही सब कुछ करो जिसके कारण डायनेमिक की जरूरत पड़ जाए। जीवन मत बदलने देना। आज चौराहे पर गाली खाई, डायनेमिक किया, कल फिर जाके उसी चौराहे पे भिड़ गए और फिर डायनेमिक किया, और अब जब भिड़ते हैं तो और आश्वस्ति के साथ भिड़ते हैं, पता है कि हमें सहारा देने के लिए डायनेमिक है ना। जैसे डायनेमिक पीछे से कह रहा हो कि जाओ खूब बेवकूफी करो, मैं हूं ना, जब पिट के आओगे तो डायनेमिक कर लेना। डायनेमिक ने ऐसा कहा तुम्हें तो जिंदगी क्यों नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते तुम बताओ। तुम नहीं बदलते। अरे 100 रुपए का पेट्रोल भी क्यों डलवाते हैं, जबकि पता है कि खड़ा ही होना है। मतलब समझ नहीं आ रही, गुत्थी ऐसी उलझी है ये। जो चीज इतनी स्पष्ट दिख रही है, और ये सब प्रकृति के गुण हैं, तमसा यही तो है, आलस, बोझ, भारीपन, इसमें कोई राज नहीं है। इसमें जो है सो है, वो क्यों है ये पूछना लाभप्रद नहीं। बस ये देखिए कि जो भी है वो आपके लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं, तो फिर छोड़ना भला ना। क्या करोगे अस्तित्व का राज जान के। उससे भला है दुख छोड़ दो, पागलपन छोड़ दो। पागल आदमी को बता भी दिया अस्तित्व का राज तो क्या करेगा वो। किताब लिखेगा पागल सूफी, उसमें सब बड़ी बड़ी बातें होंगी। दुनिया ऐसी, दुनिया ऐसी। हाँ, ये जो आपने लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है। ध्यान के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो ज़रूर किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थन में हूँ उसके। आप यहाँ आकर के बैठे हो तो ये जो ये व्यवस्था की गई, ये विधि नहीं है क्या। तो जो आपने बात लिखी बिल्कुल ठीक लिखी है। आपने लिखा है कि अगर यूं ही गुरु के शब्द कानों में पड़ जाएँ तो उनका प्रभाव थोड़े ही होगा, उसके लिए पहले विधिवत तैयारी करनी पड़ती है। पर आप उन तैयारियों पर जोर क्यों नहीं देते। आचार्य जी प्रणाम, आप ध्यान की विधियों पर जोर नहीं देते, जैसे कि ध्यान में जाने से पहले शरीर पर कुछ काम करना इत्यादि। सीधे शब्द को समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए कठिन नहीं होगा, हर कोई सीधे सुनकर ध्यान को थोड़े ही उतर सकता है।
आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हम सब ज्यादा बीमार हैं और मन से पहले शरीर पर काम होना चाहिए? ना तो लगता ही है, बिल्कुल शरीर पर तो काम करवाता ही हो। अब आज आपके शरीर पर काम नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्यों, मैं तो पूछा कि आज क्या किया, पूछा नहीं था मैंने, खेले कि नहीं खेले, पता नहीं क्यों दौड़ाए क्यों नहीं भाई, क्या कर रहे थे? थके जा रहे थे सब, या तुम थक रहे थे? तो यहाँ पर आकर के व्यक्तिगत थकान को इतना महत्व देना होता है क्या? वही प्रश्न है, तुम जवाब दो। बोध स्थल में बंधा हुआ है, सुबह 6:30 बजे खेलने पहुंच जाना होता है और 3 घंटे से पहले वापस लौटना नहीं होता है। तो काम शुरू करने से पहले शरीर को ऐसा करो कि शरीर ही विचारों का विषय ना बन जाए। मैं बिल्कुल इस बात पर जोर देता हूं कि सुनने से पूर्व तुम ऐसे रहो कि सुन पाओ, और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते हैं। कुछ इंतजाम आपको पता चलते हैं, कुछ नहीं भी पता चलते। ये गंगा क्या है इस वक्त यहाँ पर? ये इंतजाम ही तो है, और क्या है ये पहाड़? क्या है ये? विधि ही तो है, अन्यथा ये शब्द ग्रेटर नोएडा में भी तो बोले जा सकते थे। यदि यहाँ आए हैं तो ये एक विधि ही तो है, ताकि आप बेहतर सुन पाए। शब्द यही रहेंगे पर यहाँ जैसा श्रवण होगा वैसा वहाँ ना हो पाता। तो लेकिन जितना जोर मेरा तैयारी पर है, विधि पर है, उससे अनंत गुना ज्यादा जोर मेरा सत्य पर है। तैयारी और विधि ऐसी है कि जैसे प्रेमी आ रहा हो और आप मुंह साफ करें और बाल धोएं और नए कपड़े पहने वगैरह वगैरह, वो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया बात है। पर वो साफ शरीर आपका, साफ हृदय का विकल्प थोड़ी बन सकता है। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जोर रहता है कि मन साफ रखो, और मैं जानता हूं तन को साफ रखना भी आवश्यक है, उसकी भी अपनी अहमियत है। दुर्भाग्यवश ध्यान के नाम पर ऐसा बहुत होता है कि बस तन ही तन का खेल चलने लग जाता है। हठ योग पूरा और क्या है? तन का खेल चल रहा है, आत्मा से मतलब किसको? हाँ, शरीर सुडौल हो गया, पेट अंदर चला गया, तमाम तरीके के भांति भांति के शारीरिक आसन लगाने आ गए, मुद्राएं सीख ली, तो नहाए धोए का भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। जैसा सर जी एथलीट होते हैं, उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट होती है, लेकिन उनके अंदर सारी भावनाएं होती है, जलन, लो एक दूसरे को तो वही हालत, तो एकदम परफेक्ट होता है, तो वही हालत तो 99% हठ योगियों की भी है। शरीर उनका ऐसा है कि आप देखें और ललचा जाए, और मन से तो वैसे ही है जैसे और कोई संसारी, धूर्तताएं, भय, लोभ सब उनमें भरे हुए हैं। शरीर सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, इसका मैं बड़ा हिमायती हूं, बहुत जोर देता हूं। जो खेलने से जी चुराते हैं, मक्कारी करते हैं, उनके पीछे हाथ धो के पड़ता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि शरीर तो शरीर है, सत्य तो सत्य है। कौन चाहिए आपको, नहाई धोई वाली या वो जो आपसे प्रेम करती हो? प्रेम।
वो खूब नहा धो के आती है और प्रेम आपसे करती नहीं, चलेगी? और एक है जो नहीं नहाती धोती, मलिन वस्त्र हैं, पुराने फटे, पर प्रेम है, उसको तो इनकार नहीं कर पाएंगे। अब अच्छे से अच्छा ये हो कि प्रेम भी हो और वस्त्र भी साफ हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। साक्षी तो कोई भाव नहीं होता है। जब आप डर को प्रोत्साहन नहीं देते, लालच को प्रोत्साहन नहीं देते, तब जो भी घट रहा होता है वो बस घट रहा होता है, उसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं होता। हमारे लिए कोई घटना कभी नहीं घटती, हमारे लिए हमेशा हम घटित तो होते हैं, हम घटना में शामिल होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो हम हमेशा जुड़े होते हैं जो भी कुछ चल रहा है उससे। तो जैसे आपने चार लोगों को देखा और वो चार लोग कुछ कर रहे हैं, तो वास्तव में वो चार लोग कुछ नहीं कर रहे हो, कितने लोग हैं? पांच। चार तो वो हैं जो दिख रहे हैं, और पांचवा कौन है? वो हम हैं। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को होती हुई घटना से जोड़ देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आप क्या हो गए? आप साक्षी हो गए। अरे नहीं, शामिल हो गए। आप साझेदार हो गए। चार लोग थे, उनका कुछ भी चल रहा था, वो हो सकता है हंस रहे हो, हो सकता है खेल रहे हो, हो सकता है लड़ रहे हो, हो सकता है रो रहे हो, हो सकता है गा रहे हो, पर वो जो कुछ भी कर रहे थे उसमें आप किसी न किसी रूप से घुस गए। अब ऐसे नहीं कि आप भी जाके वहां गाने लग गए, पर उनके गाने में आपका किसी तरीके से सम्मिश्रण हो गया, आपका उनके दल में किसी तरीके से सम्मिलन हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता है? बारात जा रही है, क्या वो सिर्फ बारात होती है आपके लिए? बताइए क्या हो जाती है? आज आप बारात देखते हो तो क्या हो जाती है आपके लिए? बहन की शादी करनी है। अब आप उस बारात में घुस गए कि नहीं घुस गए? एक दिन मैं भी ऐसे ही फंसा था। आप उस बारात में घुस गए कि नहीं घुस गए? बोलो। ये बारात जा रही है और अब ये आगे जाके ट्रैफिक का जाम लगाएगी, आप उस बारात में घुस गए कि नहीं घुस गए? खाना कैसा बना होगा भीतर पंडाल में, आप घुस गए कि नहीं घुस गए? बोलो। किसी ना किसी तरीके से आप उसमें अपना नाता बना लेते हो। हमारा जो मैं है वो बड़ा तड़पता रहता है नाते बनाने के लिए। तो हम जो भी कुछ देखते हैं हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? जुड़ जा रहे हैं। हमारा मैं उससे जुड़ जा रहा है, हम उससे कोई ना कोई निजी संबंध निकाले लेते हैं। ये होता है जीने का, प्रेक्षण का सामान्य और अस्वस्थ तरीका, जुड़ जाना, शामिल हो जाना, संयुक्त हो जाना, साझी हो जाना। जैसे कोई भूखा किसी भोजनालय को देखे और वहां उसे दिखाई दे रहा है कि ढाबा है, मान लो ढाबे में बाहरी बड़े बड़े डोंगे तसले सब रखे रहते हैं, इतने बड़े बड़े वहां पर रखे रहते हैं, नहीं रखे रहते हैं, और तुम भूखे हो। अब वो क्या तुम्हारे लिए सिर्फ भोजन है? क्या है वो? तुम उसे जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? 50 तरह के विचार आएंगे ना उस भोजन को देख के। तो ऐसे हम जीते हैं। अब यही एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ है वो ये सब खाना पीना देखे, तो ये संभव है कि उसके लिए वो सिर्फ क्या है? खाना पीना। वो हो सकता है उससे जुड़े ना, ये साक्षित्व तो है कि जो भी दिख रहा है वो बस दिख रहा है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा मैं ऐसा अधूरा नहीं है कि उससे जाकर के नाता बना बैठा, उससे जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं।
और जुड़ते तुम तभी हो जब तुम्हें कोई लालसा इत्यादि होती है। ये साक्षित्व है। अब ये कोई भाव है? भाव तो भूख है, भूख का भाव होता है, पेट भरा हो, ये कोई भाव है? आंख में दर्द हो रहा हो तो ये भाव है। आंख में दर्द नहीं हो रहा तो कितने लोगों को भाव आ रहा है भाई? किस किस की आंख में दर्द है और किस किस को ये भाव आया कि मुझे दर्द नहीं है? माने कि भाव सिर्फ तब है जब जब दर्द नहीं है, तो स्वस्थ होने का भाव नहीं है अपितु कोई भी भाव नहीं है। समझो, जब दर्द नहीं होता तो क्या ये भाव होता है कि मैं स्वस्थ हूं? तो दर्द न होने पर स्वस्थ होने का भाव तो नहीं ही होता, वरन कोई भी भाव नहीं होता। तो साक्षित तो कोई भाव नहीं है। साक्षित तो बस ऐसा है कि चल रहा है काम जमाने का बाहर और मन के कारखाने का भीतर, और हमें दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। बाहर चार जने बैठे हैं, भीतर भी दो चार जने बैठे हैं, और उनकी अपनी गुफ्तगू चल रही है, उनकी चल रही है, हमने सुन ली, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। साक्षित्व तो इसी अनछुएपन का नाम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चल रहा है सो चल रहा है। मन बुद्धि इनको फर्क पड़ता है, स्मृति उसको फर्क पड़ता है। जो चल रहा है हो सकता है स्मृति में आ जाए, तो किसको फर्क पड़ा? स्मृति को। जो चल रहा है उसको एक अनुकूल उत्तर देने के लिए हो सकता है बुद्धि को, प्रज्ञा को कुछ काम करना पड़े, तो किसको फर्क पड़ा? बुद्धि को। बुद्धि को फर्क पड़ा, हमें नहीं पड़ा। किसी भी तरीके का भाव अस्वस्थता की निशानी है, ये कहा जा सकता है। भाव मन को आए, भाव मैं पर ना छा जाए, किसी भी तरह का भाव अस्वास्थ्य की निशानी नहीं है। भाव उसको आए जिसे भाव आना चाहिए, आपको ना आए। भाव कुछ नहीं, भाव माने विचार। विचार मन में आए पर विचार मैं पर ना छा जाए। अर्थ क्या है इसका? कि विचारों का विषय संसार रहे, विचारों का विषय पदार्थ रहे, आत्मा विचार का विषय ना बन जाए, मैं विचार का विषय ना बन जाए। क्योंकि मैं यदि विचार का विषय बना तो आप बार बार यही सोचोगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं अपना क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, ये क्या करूं, तरक्की कैसे होगी, इत्यादि इत्यादि। ये मूर्खता की बात है। तो जैसे कोई समाचार मिला और हम खिन्न नहीं हुए, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ थे, वो सब कुछ हुआ लेकिन हमारा ऐसा कोई बुरा भाव उत्पन्न नहीं हुआ? नहीं, ये मत पूछिए कि समाचार मिला तो क्या हो क्या ना हो इत्यादि इत्यादि। जो हो सो हो, क्योंकि समाचार से जिसको होना है उसको भी आजादी है वो होने की, जो समाचार उसे कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर इस हाथ पर जलती हुई लकड़ी रख दी जाए तो हाथ को पूरी आजादी है जलने की। अब आप ये मन्नत नहीं मांग सकते कि हाथ ना जले, ये तो बंधी हुई बात है। आप साक्षित्व को बस ऐसे समझ सकते हैं कि जिसको जो होना था हुआ, कोई ऐसा बचा रह गया जिसे कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा बचा रह गया जिसे कुछ नहीं हुआ। वो जो बचा रह जाता है उसे ही साक्षी कहते हैं, उसे कुछ नहीं होता। बाकी तो जिसे जो होना होता है होता है। कोई खिन्न भी होगा, कोई रोएगा भी, कोई आशा भी करेगा, कोई दौड़ेगा भी, पर कोई है जिसे कुछ नहीं होता, वो साक्षी है। और यदि वो है जिसे कुछ नहीं होता, तो फिर जिन्हें जो कुछ होता है वो जरा बदल जाता है। साक्षी के होने भर से मन प्रकाशित रहता है। जैसे एक कमरा हो, वो सूरज को तो नहीं देख सकता ना, और बंद है, पर सूरज के होने भर से वो कमरा प्रकाशित हो जाता है। उस कमरे के भीतर जो चीजें रखी हैं उन्हें
सूरज से क्या लेना देना, वो अदनी सी चीजें हैं, वो अंधेरे की अभ्यस्त हैं। पर सूरज है तो कमरे की सारी गतिविधियां फिर प्रकाश में होंगी, और जब काम प्रकाश में होने लगते हैं तो बदल जाते हैं। अहम भावना उससे भी जुड़ी रह सकती है जिस पर असर पड़ता है, और अहम भावना उससे भी जुड़ी रह सकती है जिस पर असर नहीं पड़ता। आप उससे जुड़िए जिससे असर नहीं पड़ता। मैं को मन से मत जोड़िए, मैं को साक्षी से जोड़िए। होते ये दोनों हमेशा है, हमेशा वो भी है जो परिवर्तनशील है, और हमेशा ही वो भी है जो अपरिवर्तनीय है। विकल्प आपके पास है, आप इन दोनों में से किससे जुड़ते हैं। चेतना का मतलब ही विकल्प होता है। एक तरफ प्रकृति के गुण हैं जो मजबूर है, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है, और दूसरी तरफ सत्य भी है जो मजबूर है, उसे निर्लिप्त ही रहना है। सत्य मजबूर है अपने साक्षित्व से, अपनी निर्लिप्तता से, और प्रकृति के गुण भी मजबूर हैं कि उन्हें तो लिप्त ही होना है। आप चैतन्य हैं, आपके पास विकल्प है, चाहे तो इससे जुड़ ले चाहे तो उससे जुड़ ले। साक्षित्व का अर्थ होता है कि आप साक्षी से जुड़ गए। साक्षित्व का अर्थ ये नहीं होता कि साक्षी का उदय हो गया या साक्षी पैदा हो गया। जो पैदा हो जाए वो साक्षी नहीं, जो उदित हो वो साक्षी नहीं, साक्षी सदा है। प्रश्न ये है कि क्या आपके लिए सदा है। आपके लिए सिर्फ तब है जब आप ये निर्णय लें कि आपको साक्षी के साथ रहना है बजाय उसके जो लिप्त इत्यादि रहता है। वारी